जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा, ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना, अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर जल, श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए, बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस दंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए, चढ़ाते समय दंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर आए, 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप्प पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव, भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि, आनंद दे। ये कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है, कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते हैं, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। संहिता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोलें, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते करते एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाए तो आ जाए, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें, लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूँ, मेरे महादेव पर भरोसा कर कहूँगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूँ का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है वो, तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। ये जो ऑपरेशन हुआ उसका आपका कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ क्या महादेव सुनते हैं, उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।